बहुत ही कम मेहनत में सिर्फ एक चम्मच तेल में आज हम सुबह शाम का इतना चटपटा मजेदार ऐसा नया नाश्ता बनाएंगे जो आसानी से घर की चीजों से बन जाता है। इतना आसान तरीका बताया है कि देखते ही बनाने का मन करेगा। इजी सिंपल टेस्टी स्नैक और ब्रेकफास्ट रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं ब्रेड आलू का नया नाश्ता बनाना। दोस्तों आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डालिए 1/4 कप बेसन, टेबल स्पून के नाप से 4 चम्मच, और अब डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच मैदा। आप मैदा के बदले सूजी को मिक्सी में पीस के पाउडर बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मैदा से ही आएगा। और अब डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक, नमक बहुत ज़्यादा ना डालें, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। और अब हम रूम टेम्परेचर का पानी डालते हैं। पहले हम गाढ़ा सा बैटर तैयार करेंगे। तो लीजिए गाढ़ा सा बैटर तैयार है और आप देख सकते हैं कि अभी भी बहुत सारे दाने आपको गाठी गुठली दिख रही होगी, इसलिए इसी तरीके से हम 2 से 3 मिनट के लिए बैटर को रेस्ट करने देते हैं ताकि बेसन भी फूल जाए और गाठी गुठली खत्म हो जाए। उसके बाद हम थोड़ा और पानी डालेंगे। और अब यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज का उबला हुआ आलू लिया है। आलू को उबालने के बाद पानी से तुरंत निकाल दिया है और थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लिया है। आप गर्म में भी मैश कर सकते हैं या फिर आलू को कस सकते हैं। तो लीजिए दोनों आलू को कस लिया है। आलू को कसने के बाद डाल दीजिए 1 इंच कसा हुआ अदरक, 1 मीडियम आकार का छोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज, अगर आप प्याज नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं, 1 बारीक कटी हरी मिर्च, 1 चम्मच धनिया पत्ती। और अब हम हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल दीजिए, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। आप तीखा कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमें मसालों का इस्तेमाल नहीं करना है। और अब हम मिला लेते हैं। तो ध्यान देने वाली बात, आलू को ओवर बॉयल नहीं कीजिए, उबालने के बाद तुरंत पानी से निकाल लें और फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख दें। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आलू बहुत ही ज़्यादा गीला गीला सा हो चुका है तो कुछ नहीं करना, 1 चम्मच तेल डाल के कढ़ाई में 1 मिनट के लिए भून लीजिएगा, आलू का गीलापन खत्म हो जाएगा। और अब हाथों को साफ कर लें और थोड़ा सा ऑयल लगा लें। हम नींबू के आकार का बॉल हाथ में लेते हैं और इस तरीके से गोल करते हुए हम हथेली से हल्का सा दाब के टिक्की के आकार में फैला लेंगे, तो झटपट कुछ सेकंड में हो जाता है। प्लेट में रख लें। इसी तरीके से हम सभी आलू टिक्की तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए हमने सभी आलू के टिक्की बना ली है। तो ध्यान देने वाली बात, हमने कच्ची प्याज का इस्तेमाल किया है, इसलिए आलू की टिक्कियाँ पहले से बना के ना रखें। हाँ, आप बिना कच्चे प्याज का भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। और अब यहाँ पे मैंने लिया है 8 पीस ब्रेड। तो आप ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड कोई भी ले सकते हैं और 1-2 दिन पुराने ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो 1 आलू का भी बना सकते हैं। और अब हम कोई छोटी कटोरी या ग्लास से इस तरीके से सर्किल काट लेंगे। इसी तरीके से काटते जाएं और ब्रेड के ऊपर ऐसे रखते जाएं ताकि मिक्स मैच ना हो। वापस एक ब्रेड लीजिए और धार वाले ग्लास से काट लें। तो हमने कुछ ब्रेड को काट लिया है और अब एक ब्रेड का स्लाइस लीजिए और अब हम चारों तरफ थोड़ा पानी लगा देते हैं ताकि ब्रेड थोड़ा सा भीग जाए। और अब दूसरे ब्रेड का स्लाइस लीजिए, सर्किल को साइड में रखिए और दूसरे ब्रेड के ऊपर इस तरीके से रख दीजिए। और अब जिधर सर्किल काटा है उसके ऊपर रख दीजिए आलू टिक्की। और अगर आपकी टिक्की छोटी बन गई है तो थोड़ा सा और आलू मसाला मिला के बड़ा कर लीजिएगा। हल्के हाथों से दाब लें। दाबने के बाद ये जो हमने सर्किल काटा है इसे इसके ऊपर रख दें और हाथों से दाबते हुए हम कवर कर लेंगे, तो बहुत ही आसानी से स्टिक हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपको एक बार चारों तरफ से उठा के दिखा देती हूँ। तो देखिए बिल्कुल भी नहीं गिर रहे हैं, है ना, बहुत ही आसान। तो बस इसी तरीके से हम और ब्रेड के नाश्ते को तैयार कर लेते हैं। वापस से हम पानी लगा देते हैं। तो लीजिए हमने 5 पीस नाश्ते को तैयार कर लिया है और देखिए अभी से ही कितने अच्छे दिख रहे हैं। इधर बेसन भी फूल चुका है। और अब हम इस तरीके से कुछ सेकंड के लिए फेंट लेते हैं। ये बोल मुझे थोड़ा छोटा पड़ रहा है दोस्तों, इसलिए हम खोल को दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं।
और अब 1/4 कप वापस से पानी डालें और अब मिला लें। तो हमें पतला सा बैटर तैयार करना है और अब हम डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच धनिया पत्ती, मिला लें। तो टोटल मैंने आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। हमें एकदम पतला सा बैटर बनाना है और बिल्कुल भी इस टाइम आप हल्दी पाउडर या फिर अजवाइन ये सब ना डालें। सारी तैयारी हो चुकी है तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमें किस तरीके से नाश्ता बनाना है। एक ब्रेड आलू का नाश्ता लें और इस तरीके से घोल में हम कोट करते हुए बनाएंगे। तो नाश्ता बनाने के लिए मैंने तवा चढ़ाया है। आज हम बहुत ही कम तेल में इस नाश्ते को बनाएंगे। तो तवे पे 1 चम्मच ऑयल लगा लीजिए, आप घी भी ले सकते हैं। चारों तरफ फैला लें। तवा मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत तेज गर्म ना करें, फ्लेम कम कर दें। और अब एक पर घोल को चला लें। अब ब्रेड के नाश्ते को इस तरीके से पकड़ते हुए हम चारों तरफ से कोट कर लेते हैं, यानी कि डिप कर लेते हैं। तो बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है, जैसे ही कोट कीजिए तुरंत हम बैटर से निकाल लेंगे और तवे पे रखते हैं। है ना बहुत ही आसान, तो फटाफट हो जाता है। तो आपके तवे पे एक बार में जितना आटे उतना डालें। तो फ्लेम को बिल्कुल कम रखिएगा, जब हल्का सा सेट हो जाए ना तब आप इस स्पैचुला से किनारे कर दीजिएगा ताकि हम दूसरा नाश्ता फैला सके। बहुत ही कम बेसन का इस्तेमाल किया है इसलिए बिल्कुल भी आपको कहीं से बेसन का नाश्ता ये नहीं लगने वाला है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो बेसन का जो हमने घोल बनाया है उसके बदले आप 2 अंडे प्लस 1/4 कप दूध मिला करके बैटर बनाइएगा। तो बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है, 1 से 1.5 मिनट के बाद जब लाइट गोल्डन कलर आपको दिखने लगे तभी आपको पलटी करना है। तो वापस से हम थोड़ा सा ऑयल, बटर, घी लगा देते हैं। तो वैसे तो हम ब्रेड आलू से कई तरह से स्नैक बनाते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो थोड़ा हेल्दी हो गया। बिना फ्राई किए बना रहे हैं तो आप फटाफट ब्रेकफास्ट में, टिफिन बॉक्स में भी सर्व कर सकते हैं। और अब हम पलटी कर लेते हैं। तो देखिए कितना प्यारा कलर आया है। जैसे जैसे कलर आने लगे नाश्ता में बस आप पलटी कर लें, बिल्कुल भी इधर उधर बिखर नहीं रहा है, फटाफट बन जाता है। तो सैंडविच टोस्ट तो आपने कई बार बनाया होगा, लेकिन ये नाश्ता और भी ज़्यादा चटपटा मज़ेदार आपको लगने वाला है, जिसे आप एज अ स्नैक शाम को भी खा सकते हैं और मेहमानों को भी परोस सकते हैं। जी हमने सभी नाश्ते को पलट लिया है, धीमी आंच पे हम इसी तरीके से 2 मिनट और करारा सेक लेते हैं। तो बीच बीच में इस तरीके से दबाते हुए सेकें ताकि चारों तरफ से प्यारा सा कलर आ जाए। तो जैसे यहाँ पे मैं 3 नाश्ते को टोस्ट कर रही हूँ, आप एक बार में 4 भी कर सकते हैं। तो 2 मिनट के लिए सेक लिया है और अब हम पलटी कर लेते हैं। तो देखिए कहीं कोई परेशानी नहीं आ रही है, बस इतना ध्यान दीजिएगा कि लो फ्लेम पे ही टोस्ट कीजिएगा। तो बस हम एक एक करके प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नाश्ता है दोस्तों, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम इसी तरीके से सेकंड बैच बना लेंगे। तो लीजिए हमने सभी ब्रेड आलू के नाश्ते को बना लिया है। गर्मा गर्म खाएंगे तो क्रिस्पी भी लगेंगे और ठंडे हो जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। तो सारे ब्रेड आलू स्नैक का स्वाद फीका लगेगा, इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, देख के ही खाने का मन कर रहा है। तो आप टमाटो केचप, मेयोनीज, हरी चटनी के साथ एंजॉय करें, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों सुबह शाम के इस नाश्ते की रेसिपी आज की पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपका ब्रेड आलू का ये वाला नाश्ता कैसा बना ये भी बताइएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बहुत ही बढ़िया नाश्ता बना है, तो काट के दिखाती हूँ। तो इस तरीके से काट के बच्चों को टिफ़िन में दें। तो देखिए क्रिस्पी भी है, तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार नाश्ता है, तो आप सैंडविच की तरह भी काट के एंजॉय कर सकते हैं। एक बार बनाना तो बनता है। नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।